डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 9th वर्कशीट नंबर 22 में हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो डिपेंड करते हैं सम एंगल प्रॉपर्टीज़ और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। तो यदि हम बात करें छोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑल इस वीडियोज़ को डेवलप कर चुके हैं, थ्योरम्स को प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ उसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। और यहाँ इस वर्कशीट में ऑलरेडी वो वर्क दिया गया है जो ऑलरेडी हम वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ यूज़ किया गया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और सम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है आर पी एस एंड पी क्यू टी, ये एक्सटीरियर एंगल है। देन बट इंटीरियर एंगल्स में हमें कहा गया है कि ये हमें एंगल फाइंड करना है दिस। तो हमारे पास इन एंगल्स का रिलेशन, चाहे तो हम इस एंगल से निकालें और चाहे यहाँ से निकालें, तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। यदि हम कंसीडर करें कि ये एक्स है और ये कंसीडर करें ये वाई है और ये कंसीडर कर लें ये जेड है, तो हमारे पास तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 इन ए ट्रायंगल्स। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ वाई क्या होगा, एज यदि हम कहें कि x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बट ये क्यों होगा, इसका रीजन है ये लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। सेम यदि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 110 होगा, मीन्स इसको लिखेंगे तो 70 डिग्री होगा। बट नाउ एंगल x प्लस दिस एंगल x, तो हमने निकाल लिया y प्लस एंगल एक्स, लीनियर पेयर से हम लेंगे तो यहाँ भी हम लेंगे कि एंगल 135 इक्वल टू 180 डिग्री है, ये भी आपके पास लीनियर पेयर है। यहाँ आपके पास y की जो वैल्यू आएगी 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास यहाँ लीनियर पेयर से हमने एंगल्स निकाले, मीन्स एस पी आर प्लस क्यू पी आर इज 180, देन सिमिलरली एंगल टी क्यू पी एंड एंगल पी क्यू आर इज 180। तो दोनों प्रॉपर्टी से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, यहाँ आप यूज कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में आपके पास तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, बट एक्स और वाई ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, तो एक्स इज 70 डिग्री एंड वाई इज 45 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180, देन जेड की वैल्यू आपके पास होगी 180 माइनस 105, 45 प्लस 70 इज 105, देन जेड इक्वल टू 75 डिग्री। आपके पास जो जेड है मीन्स पी आर क्यू इज आल्सो 75 डिग्री। इस टाइप से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स इन और सम एंगल प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल्स है, देन पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर है, देन एंगल्स यहाँ पर आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्यू पी एस 90 डिग्री हो गया, पी क्यू एस एक्स और वाई आपको फाइंड करना है, एस क्यू आर 28 डिग्री गिवन है एंड क्यू आर टी इज 65 डिग्री है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एंगल है आपके पास, दिस एंड दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 65 डिग्री, इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में x प्लस 28 इक्वल टू 65 होगा। यदि हम यहाँ से x को एक्सप्लेन करेंगे एज पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इक्वल टू 65 डिग्री, एज दिस पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इक्वल टू 65, बट एस क्यू आर इज 28 डिग्री, देन एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 65 माइनस 28 इक्वल टू 37 डिग्री। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आपके पास ट्रायंगल्स के तीनों एंगल एक्स प्लस वाई प्लस दिस
जो है वो 90 डिग्री मिलेगा। अब आपके पास जो x मिला वो 37 डिग्री मिला, हमने ये y कंसिडर किया कि y क्या होगा, तो 37 दिस प्लस y प्लस दिस 90, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 37, देन 180 माइनस 27 इक्वल टू 53 डिग्री। इस प्रकार आपके दो दोनों क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट है वो कंप्लीट होते हैं। बेसिक कंसेप्ट में यहाँ आपके पास सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों को हम यूज करके इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और इसमें आपकी ये थ्योरम्स ऑलरेडी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लें। थैंक यू।